बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम मेरे दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है नमाज, और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको एक वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। इस टॉपिक के तकरीबन 3 वीडियो बनाना पड़ेंगे, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी वीडियो 5-6 मिनट से ज़्यादा की ना हो, क्योंकि 5-6 मिनट इंसान देख ले इजी, और बहुत लेंथी वीडियो बनाने का मतलब है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश मेरी ये रहती है कि सिर्फ 5-6 मिनट की वीडियो बनाई जाए, ताकि अपना मेन पॉइंट बता दिया जाए। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सैयद जुल्फ़ार जैदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको फौरन मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक नमाज। दोस्तों, मैं नोटिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आजकल लोग बेनमाजी ज़्यादा हो गए हैं। वो लोग कम हैं, दिख रहे हैं, जो 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग ज़्यादा मिल रहे हैं जो नमाज से दूर हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जुमे जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ ईद और बकरीद की पढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 5 वक्त की पढ़ रहे हैं, पर ऐसे लोग कम हैं। तो कोशिश ये करिए कि प्लीज़ खुदारा, आप अगर मुसलमान हैं तो नमाज ज़रूर पढ़िए, और टाइम से पढ़िए, और 5 वक्त की नमाज पढ़िए। यानी जो इंसान अपनी सबसे आसान इबादत नमाज ना पढ़ पाए, उसके लिए नमाज के लिए टाइम नहीं है, तो फिर वो इंसान क्या करेगा आगे? किस यानी आपके पास जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, आपके पास 24 घंटे में मोबाइल आप 6 से 8 के 10 घंटे आप देखते रहते हैं मोबाइल। दुनिया भर के दोस्ती यारी के लिए टाइम है, दुनिया भर के बेकार कामों के लिए का टाइम है, यानी वो काम जो आपके काम ही नहीं आना है, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। ना उससे, उन कामों से आपका फ्यूचर बनेगा, ना उन कामों से आपका कुछ होगा, सिर्फ वेस्ट है। आप ऐसे कामों को कर रहे हैं जो वेस्ट है एकदम। पर नमाज जो आपके ऊपर वाजिब है, उससे आप गाफिल हैं, एकदम गाफिल हैं। आपके पास नमाज के लिए टाइम नहीं है, आपके पास दोस्तों के लिए गपशप के लिए टाइम है, आपके पास मोबाइल 8 से 10 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए टाइम है, लेकिन अगर 5 वक्त की नमाज का टाइम जोड़ लिया जाए तो सिर्फ 30 मिनट या 35 मिनट निकलेगा। अगर आप 5 वक्त की वाजिब नमाजों का टाइम देखेंगे कि अगर आप पढ़ेंगे तो कितना टाइम लगता है, तो 30-35 मिनट मैक्सिमम, ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो अल्लाह के लिए जिसने आपको सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, एक अच्छी बॉडी दी, एक अच्छी सूरत दी, एक अच्छी सेहत दी, एक अच्छी जॉब की, आप पैसा कमा रहे हैं, हजारों लोग आज बिना पैसा कमाए बेरोजगार पड़े हुए हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, हर चीज़ अल्लाह ने आपको अच्छी से अच्छी दी, बदले में जो आपको रिटर्न करना है उसको, उसका शुक्र अदा करना है, एक सजदा करना है कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, नमाज के फॉर्म में आप भूले हुए हैं। दुनिया भर की फालतू चीज़ों के लिए आपके पास टाइम निकलेगा सिर्फ और सिर्फ, नहीं निकलेगा टाइम तो नमाज के लिए नहीं निकलेगा। ये बहुत ही अफसोस का टाइम है मुसलमानों के लिए। तो खुदारा, नमाज को हल्के में न लिए, पाबंदी से नमाज पढ़िए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए। सिर्फ जुमे जुमे की नमाज या ईद बकरीद की नमाज पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। आगे कब्र में जब आप जाएंगे तो आपके आमाल में इसके साथ साथ आपकी नमाज भी जाएगी। आपका मोबाइल में जितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं या कब्र में नहीं जाएगा, आप दोस्तों के साथ में जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं या कब्र में नहीं जाएगा, कब्र में आपके आमाल जाएंगे
और आपके नमाजें जाएंगी, इबादतें जाएंगी कि आपने क्या इबादतें की हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, चाहे खम्स हो, कि आपने क्या इबादतें की हैं। तो प्लीज़ सीरियस हो के नमाज़ पढ़िए, नमाज को हल्के में ना लीजिए। मेरा 5 मिनट का वीडियो कंप्लीट हो रहा है, तो हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और अपनी बाकी बातें हम किसी नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए हमें मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।